हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी नाप लेके ब्लाउज की कटिंग। तो जैसे आपका ब्लाउज है, जैसे हमने नाप ले लिया है, तो जैसे किसी का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसका जो हमने नाप लिया है तो उसकी चेस्ट है वो 32 है या 34 है, तो उसका निशान लगाना है आपको। और जैसे लंबाई है 13 इंच या 14 इंच तो उसका निशान लगाना है। और शोल्डर, जैसे 32 चेस्ट है तो हमें शोल्डर रखनी है 5.5 इंच। अगर चेस्ट हमारी 34 है तो हम डीप गला बना रहे हैं तो 5.5 इंच रखेंगे। अगर हमारी चेस्ट 38 है, 40 है, तो 6 इंच के शोल्डर रखेंगे और 6 इंच के आरुमल। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे इसकी कटिंग करनी है। तो ये जो ब्लाउज का कपड़ा है वो डिजाइन का है, पूरा इस तरीके से डिजाइन बनी हुई है। ये यहाँ पे बाजू का बॉर्डर है और ये जो पीछे डिजाइन आएगी और यहाँ पे ये दूसरी बाजू है। तो इस तरीके का ये कपड़ा है। तो ये जो मैंने कपड़ा लिया है अस्तर का, वो मैंने पीस लिया है क्योंकि ये पतला है, नेट का है, पतला है। तो अभी मैं पहले आपको ये कपड़े की कटिंग करके बताऊंगी और कैसे नाप लेके हमें कटिंग करनी है। बहुत ही आसान और सरल तरीके से आप कटिंग कर लेंगे क्योंकि कुछ लोगों पे ब्लाउज नहीं होता है और आप सिलाई का काम कर रहे हैं तो कैसे ब्लाउज बनाएंगे। तो जैसे आपने अपनी चेस्ट का नाप ले लिया है लेडीज का, तो उसकी चेस्ट है 32। तो पहले आपको 16 इंच पे निशान लगाना है। तो कपड़े को पहले आपको डबल करना है। इस तरीके से आप डबल कर ले पहले कपड़े को। तो ये पहले से ही डबल है, ये देखिए डबल है। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे नाप। तो जैसे 32 चेस्ट है तो यहाँ पे लगाएंगे 16 इंच पे ये निशान। अगर हमारी 34 चेस्ट है तो 17 इंच पे निशान लगा लेंगे। और उसके बाद चेस्ट का निशान लगाने के बाद अब हम लेंगे यहाँ पे गुंजाइश। तो हमें हमेशा गुंजाइश ज्यादा लेनी है तो हम यहाँ पे 3 इंच की गुंजाइश ले लेंगे इस तरीके से। अब हमने चेस्ट का ले लिया और ये लंबाई है। तो लंबाई के लिए अब हम ये कपड़े को डबल करेंगे लंबाई में। इस तरीके से हमें लंबाई में डबल करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लंबाई रखेंगे, जैसे हमारे ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, तो यहाँ पे रख लेंगे हम 14 इंच। ये 14 इंच हो गई हमारी लंबाई। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे 5.5 इंच पे निशान। ये हमारा शोल्डर हो गया। अब आरुमल लेंगे हम यहाँ पे 5.5 इंच। ये हमारा आरुमल हो गया क्योंकि 32 चेस्ट है। और इसमें देखिए इस तरीके से हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच। गले की लंबाई लेंगे हम 10 इंच और इसको हम इस तरीके से निशान लगा के फिर गोलाई में निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा गला, ये हो गया आरुमल और ये हो गया शोल्डर। अब पीछे वाले पल्लर को हम यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए पीछे के बराबर हमने आगे की भी आरुमल की कटिंग की है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो पीछे की लंबाई है वो हमारी यहाँ तक है 14 इंच तक। अब हम यहाँ पे लंबाई बढ़ाएंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच आगे वाला जो पल्लर है उसकी लंबाई बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हमने आगे वाला पल्लर 1.5 इंच ज्यादा लिया है पीछे वाले से क्योंकि आगे वाले में हम तीरा लगाएंगे और प्लेट डालेंगे, इसलिए अब पीछे का हम हटा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम गले की जो चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच की लेंगे। गले की लंबाई लेंगे 7 इंच या 6 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच ले रहे हैं गले की लंबाई।
अगर आप लंबाई ज्यादा रखना चाहें तो 7 इंच भी ले सकते हैं और इसमें इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लेंगे। अब देखिए आधा इंच हमें यहाँ पे आरोमल की कटिंग करनी है। अब लगाएंगे हम यहाँ पे तीरे का निशान। तो तीरे का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 13 इंच पे, बीच में लगा लेंगे 13 इंच पे। इस तरीके से तीरे का निशान हो गया, बीच में 13 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 1 इंच, जो हमारा एक गला है यहाँ पे लेना है 1 इंच। अब इसको देखिए ऐसे शेप में तीरे की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए कितना आसान है और मैं कितने आसानी से आपको बता रही हूँ, एक एक चीज अलग अलग बता रही हूँ। एक तीरा है और यहाँ पे आधा इंच आरोमल की कटिंग की है आगे वाले की, क्योंकि आगे की साइड झोल आती है और यहाँ पे प्लेट भी डालेंगे इसलिए। अब यहाँ से बीच में से इसको अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे टक्स का। अब हम अपनी फिटिंग का कपड़ा निकाल लेंगे, ये हमारा फिटिंग का कपड़ा है 8 इंच। अब यहाँ पे प्लेट डालेंगे जो बीच में, तो वो हम इसको आधा कर लेंगे, 8 इंच है तो 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारी बीच की प्लेट आएगी 4 इंच पे, 8 इंच का आधा करेंगे। अगर 9 इंच है तो 9 इंच का आधा करेंगे। तो ये प्लेट हमारी बीच में आनी चाहिए और ये जो गुंजाइश है वो हमने अलग रखा है और फिटिंग का कपड़ा निकाल लिया है। अब इसके बराबर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और आरोमल की यहाँ पे इंची टेप को आप इस तरीके से नाप भी सकते हैं, 6.5 इंच पे आ रहा है, लेकिन ये प्लेट हमारी यहाँ पे बीच में आनी चाहिए शेप में। अब यहाँ पे 2 इंच ऊपर लेंगे, ये प्लेट है तो इसको भी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, 2-2 इंच की इसमें दूरी रखनी है, 2-2 इंच प्लेट हमें पास पास नहीं डालनी है, 2-2 इंच दूर डालेंगे तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये नीचे का तीरा है तो इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेंगे। ये हो गया हमारा आगे का पल्लर। अब बाजू की कटिंग होगी, तो बाजू की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले जो हमारा ये डिजाइन का कपड़ा है इसके ऊपर रख के हमें आगे और पीछे का पल्लर निकालना है और जो डिजाइन है उसके बराबर हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो देखिए जो पीछे की डिजाइन है इसको हम डबल कर लेंगे, बराबर करके डबल करना है। अब यहाँ पे रख लेंगे हम आगे का पल्लर इस तरीके से। साड़ी का कपड़ा हमें आधा इंच बड़ा ही रखना है, क्योंकि हम इसको जोड़ेंगे तो छोटा पड़ जाता है, तो हमेशा साड़ी का कपड़ा आपको बड़ा ही काटना है। और इसको जोड़ने के बाद अस्तर के बराबर कटिंग कर लेंगे। तो ये पीछे का हो गया। अब बाजू की देखनी है हमें कितनी लंबाई हो रही है, तो इसी के बराबर बाजू निकालेंगे। तो इसकी जो लंबाई है डिजाइन की वो 7 इंच की है। तो ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हमें बाजू निकालनी है। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई है वो 17 इंच है कपड़े की, तो काफी है। और कपड़े की हम लंबाई लेंगे 8 इंच। अब हम इसको डबल कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे लगाएंगे निशान कटिंग का, 2 इंच लेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच लिया है, अब इसको ऊपर की साइड ऐसे ले जाएंगे।
अब अपनी मोहरी का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारी मोहरी है 12 इंच की, तो ये हमारा फिटिंग का हो जाएगा, इस तरीके से फिटिंग का हो जाएगा। 1 इंच लेंगे हम गुंजाइश। अब ये डिजाइन का कपड़ा है, इसको अच्छे से रख लेंगे बराबर करके। और यहाँ पे इसको ऐसे रखना है। अब देखिए हमारी ये दोनों बाजू हो गई। ये दोनों बाजू हो गई, अब तीरा निकालना है। अब देखिए एक तीरा है, तो ये नीचे इसको हमने अभी सिंपल ही रखा है, इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।